अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो मैं आपको बताऊँ भाई, मैं दो तीन दिन बाद ऊपर छाते पे आई हूँ। बारिशें थी और उसके बाद मुझे लाइट का इशू बन गया, हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया, उसकी वजह से लाइट पूरा दिन ही आई कल 12 तारीख को। तो इस वजह से मैं कल कोई व्लॉग नहीं बना सकी है। आई एम सो सॉरी। जिनका भी बर्थडे कल था, एक मेरी सब्सक्राइबर रुचि, उनकी उनके हस्बैंड की बर्थडे थी, रोमी, ठीक है, ये नाम है ना आपके हस्बैंड का, रुचि जी। तो उनको, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप उनको विश करना अपने व्लॉग में। आई एम सो सॉरी रुचि, मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई है। एज आई टोल्ड यू कि ट्रांसफार्मर जो था वो ख़राब हो गया था और मगरिब के 7:30 पे लाइट आई थी, ठीक है। तो इस वजह से मैं नहीं व्लॉग ना पाई और ना ही न्यू वीडियोस बना सकी हूँ इन दो दिनों में, तो उसके लिए माजरत। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, बारिश हुई है तो उसका पानी वो जिन शेप से वो सारी टूटी हुई है। एनीवेज, तो खैर हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मैं हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी रोमी जी को रुचि जी की तरफ से। तो मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे रोमी जी, आपकी वाइफ की तरफ से। और मेरी विश है कि आप दोनों का कपल हमेशा खुश और हैप्पी शैप्पी रहे, और भाई आप हमेशा एक दूसरे के साथ सिंसेयर रहे, एक दूसरे के साथ लॉयल रहे। मेरी ये दुआ आपके लिए, तो अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुश रखे और आप जहाँ भी हो खैरियत से रहो और अपनी प्यारी से जो आपकी वाइफ है रुचि जी, उनको ढेर सारा उनका ख्याल रखो, ठीक है। तो ये मेरी आपके लिए स्पेशल दुआ है। तो और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी बर्थडे भी आने में टाइम है, तो चले इस शीट को उठाते हैं, फिर उनके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे जो याद पड़ता था उनका, रुचि जी उनको मैंने मेंशन किया है अपने व्लॉग में। आई होप रुचि जी अब नाराज़ नहीं होगी, मैंने आपको पूरी कंडीशन बताई है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ओके। तो अभी शीट उठाती हूँ और फिर भाई व्लॉग को देखते आगे क्या करना है। वो देखें, मैंने शीट उठाई है, सारे ग्लास शेप्स टूटी हुई हैं और सैंड सीमेंट वाली शेप्स पर गिली हो गई है। खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या करना है अब। अच्छा, मैंने ना अभी शीट उठा के जो शेप है डर्ट की ये निकाली, नीचे करके टूरा हो गई थी, इसमें से ग्रेडर्ट निकाली है और इसमें से मैंने ये बकेट निकाली है येलो डर्ट की, तो क्लीन करना है क्ले पॉट को। और मैंने क्या किया है, ये येलो ग्रिडी सैंड जो है ना उसकी मैंने टब से टेक्सचर बाहर निकाला है, तो इसको देखना है इसकी क्या कंडीशन है, इसके चंक्स देखते हैं निकलते हैं कि नहीं। ये देखें इसके चंक्स निकालने, ठीक है, काफी हैवी है लेकिन हम ना छोटे छोटे करके निकाल देते हैं। खैर ये मुझे पता है इन्होंने हार्ड हो जाना है, लेकिन स्टिल मैं इनको क्रम्बल नहीं करना चाहती है क्योंकि फिर से टब में रखना पड़ेगा टेक्सचर, तो मैं नहीं चाहती मैं इसको टब में रखूं, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ ही रख दूँ, फिटे हाल रख दूँगी, ठीक है।
तो ये सीन है। अच्छा इसकी हम कुछ और कर लेंगे। Oh my God, बहुत हैवी है। स्टोन जो है ना ये इसको हम ना ओए भैया शिट मैन। अच्छा मैं इनको रख दूँ फिर मिलती हूँ ठीक है। अच्छा मैंने चंक्स रख दिए उठा के, मैं आपको दिखाती हूँ। बाजे बजना स्टार्ट हो गए। पा पी पा मुझे इनकी शेप्स बनानी पड़ेगी। क्योंकि हम इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। कितना अच्छा टेक्सचर है, गंदा सा नहीं है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे चंक्स कैसे रखे हैं। ये देखिए ठीक है, इधर से जगह साफ करके गई थी ना मैं, बारिश होने के बावजूद भी गंदगी नहीं फैली। ये देखिए चले इस टेक्सचर को मैं ना इकट्ठा कर दूँ फिर मिलती हूँ। अच्छा ये मैंने टेक्सचर इकट्ठा कर लिया, अब मैं इसमें पानी मिला दूँगी ठीक है, और इसकी शेप्स बना लूँगी। फिलहाल मैं इसकी शेप ना तो नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मुझे ना जल्दी से ना कुछ और भी काम करने हैं। मुझे था आज गेस्ट आने थे तो मैं उन्हीं चक्कर में रही, मुझे करने मैंने ऊपर नहीं आती है काम वगैरह कर ले बाद में कर लूँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि उनका पोस्टपोन हो गया ना, इधर कैंसिल हो गया तो वो कल आएंगे, तो इस वजह से फिर मैं ऊपर आ गई, वरना मेरे टाइम पे आ जाना था। खैर अब क्या कर सकते हैं, वक्त तो गुजर गया हाथ से। चले अब हम कुछ और करते हैं काम। चले हम वाइटर की क्रमिंग करते हैं। मुझे ये चंक थोड़ा ड्राई लग रहा है और तो कोई टेक्सचर हम कर नहीं सकते एकदम, डर्ट्स जो है बेस्ट ठीक है। मैंने सोचा था कि उधर से भी ड्राई होगी फिर उसकी क्रमिंग वीडियो बनाऊंगी, बट दो तीन चल के ड्राई है। ड्राई डर्ट का अपना ही मजा क्रमिंग का।
गरम कर लीजिए मसाला। ठीक है, अम्लिंग के बाद वीडियो में चल जाऊंगी, ठीक है, शॉर्ट व्लॉग ही आएगा। अब हम रेड डट की ट्राई करने करते हैं फुल बाउल भर के। सानू मिट्टी खुश्क होने का नाम ही लेडी ले, खुश्क भी कैसे हो, तीन तीन चार चार दिन तो कवर है तेरे टेक्सचर, टेक्सचरों की बैंड बज गई है सच्ची कुछ।
कुछ चाचे की वीडियोस नहीं बन रही ना कुछ। हाँ हाँ, लेट्स सी कब तक ये चलता है। फॉर द बेस्ट। मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बनाऊँ। चलो इसको छोड़ते हैं, देखते क्या करना है। मुझे नहीं लग रहा मैं वीडियो बना पाऊँगी क्योंकि टाइम मुझे बिल्कुल खत्म है। ओल्ड वीडियो आज भी आएगी, बस इसी ओल्ड वीडियो डाल दी कि पता क्या हम चैनल पे वीडियो नहीं डालें वह चैनल नीचे चला जाता है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। अदरवाइज सच्ची मुझसे पूछो मुझे ओल्ड वीडियो डालने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है इसलिए आई एम सो सॉरी। इसलिए मैं व्लॉग को थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर लेती हूँ, लेकिन वीडियो कल इंशाल्लाह। ठीक है, माइक मेरा वहाँ मड़ा पड़ा है, मैं बोल रही हूँ, पता नहीं आवाज़ भी जा रही होगी कि नहीं। चलो भाई हमने ये देखे अच्छे से मिक्स कर लिए, और मुझे क्ले पॉट भी वॉश करना था। मुझे मेरी कोशिश है कि अगर मुझे कल मौसम अच्छा मिला, एक सब्सक्राइबर की बर्थडे है वो मुझे एडवांस में बना के ना अपलोड कर दूंगी ताकि मुझे बाद में एंड टाइम पे ना मसला पड़े। सही है, तो वेट एंड वॉच। चले हम हैंड वॉश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है, खैरियत से। तो भाई मैं अभी भी आई हूँ, 4 बजे का टाइम है और बादल फुल गरज रहे हैं। मैंने सोचा था मैं आके ब्लॉग बनाती हूँ वीडियो बनाती हूँ, बट वेदर कह रहा है कि नहीं भाई
और आज 14 अगस्त है। मैं सबको भाई 14 अगस्त मुबारकबाद, 14 अगस्त की 14 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहूँगी सारों को। वैसे दिल नहीं मेरा करा देने को, क्योंकि आज भी इन्होंने हमें बगैर लाइट के रखा हुआ है। खैर मैं ज़रा थोड़ा बहुत कवर कर लूँ, उसके बाद आके बात करती हूँ। अच्छा तो मैं आपको बता रही थी कि आज 14 अगस्त है, तो आज़ादी मुबारक भाई। ऐसी आज़ादी क्या जिसमें आपको बगैर लाइट के रहना गुजारना पड़ रहा हो दिन। खैर बहुत बहुत बड़ी मुश्किलें परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं उसके आगे। लेकिन अफसोस होता है कि आप अपने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भी एक लोगों को लाइट नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। कहे बंदा ऐसे लोगों को ऐसी सिचुएशन में क्या कहे, मूड स्पॉइल कर देते हैं ये सारे। ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं सच्ची। तीन तीन चार चार घंटे लाइट लेके जाते हैं जैसे कि छोड़े भाई। अच्छा मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आधा व्लॉग मैंने कल बनाया था, आज आधा बाकी आज बनाऊँगी। अगर वाह 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 वेदर रहा ड्राई तो वीडियो भी बनेगी। मुझे ड्राई क्रमिंग कोई अच्छी सी डेडिकेट करें, तो अगर पॉसिबल, अगर मुझे मौसम लगाना कि टाइम है। अभी फ़िलहाल तो मैं ये चीज़ें कवर कर रही हूँ जिनमें डेट्स पड़ी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं देखती हूँ, फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। थोड़ी मुल्तानी मिट्टी की क्रमिंग करते हैं। सही है, ये देखिए मैंने ना बहुत ज़्यादा वो डिम लाइट की वजह ठीक कर लूँ ब्राइटनेस। अब नज़र आ रहा स्लाइटली सी डैम्प है अंदर, ब्लैकनेस कितनी गई है इसके अंदर से। आई डोंट नो, आई एम शॉक्ड। एक और सब्सक्राइबर फारूकी, आज जिन जिनकी बर्थडे है, जिनकी बर्थडे है सबको हैप्पी बर्थडे। यार ज़बरदस्त टेक्सचर हुआ है, मतलब कि अंदर की दौड़, अंदर कुछ भी हो लेकिन ड्राई होने के बाद चेक करें इसकी क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्रमलिंग हो रही है। और मेरे पास वो टेक्सचर ड्राई नहीं है कि मैं इसकी ओड कर लूँ क्रमलिंग, क्योंकि डैम्प ही है। तो आई वॉन्ट टू क्रम्बल मोर उतारी मिट्टी, बट इट्स नॉट पॉसिबल यट, क्योंकि टेक्सचर डैम्प है काफ़ी। ये ऊपर शेप जो थी ये ड्राई थी, लिटिल बिट थोड़ी सी डैम्प थी, बट ओके थी। सही है, तो आज की क्रमिंग मेरे 14 अगस्त को पैदा होने वाले सब्सक्राइबर्स के नाम है। यार मैं जितनी मर्जी बासी बनी हूँ लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को खुश करूँ, फ्रेश मूड करूँ उनका, ताकि वो सब रिलैक्स होकर मज़े से मेरा व्लॉग देखें।
चलो इसको हम छोड़ देते हैं। Now we're going to crumble our platter. So stay with me.